ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं और 11 तूफान तावते तो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान जरूर छोड़ गया है। गुजरात के कई शहरों में इस तूफान ने जानमाल को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। गुजरात के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 13 लोगों की मौत की खबर है। जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शहर को कैसे हिला कर रख दिया, ये तस्वीरें उसकी बान की है। अहमदाबाद में यूएन मेहता रिसर्च सेंटर की इमारत का ये हिस्सा तूफान की तबाही झेलने में नाकाम रहा और भरभराकर गिर पड़ा। अब अहमदाबाद की एक और तस्वीर देखिए जिसमें एक होर्डिंग चौराहे पर एक मिसाइल की तरह जाकर गिरा। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर समंदर जैसे हालात बन गए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तावते से गुजरात के 2437 गांव में अंधेरा हो गया। तावते तूफान सोमवार रात को गुजरात पहुंचा और पीछे छोड़ गया तबाही के कभी ना भूलने वाले निशान। आज तक संवाददाता गोपी खांगर ने तूफान का कहर अपनी आंखों से देखा। तबाही की एक एक तस्वीर गोपी ने अपने कैमरे में कैद की। आप देख सकते हैं कि तावते का असर ना सिर्फ जहां पे उसने लैंडफॉल किया वहां पे देखने मिला, बल्कि जो मध्य गुजरात है, मध्य गुजरात के भी इलाकों में जो लिमडी का इलाका है वहां पे भी उसका जो असर है वो देखने मिला। सामान उड़ गए हैं। अगर पेड़ की बात की जाए तो करीब 50,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। तो वही अगर इलेक्ट्रिक पोल की बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल जो सौराष्ट्र जहां जहां ये चक्रवात तावते गुजरा वहां पे